आप सभी को नमस्कार। एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है सरकारी कर्मचारियों के लिए। देखिए, केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS होगा। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है, कम से कम 25 साल उसको अपनी सेवाएं देना होगा, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के 12 माह महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में उसको दिया जाएगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो ₹10,000 उसको निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा। तो जैसा बताया, सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ यही है, सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने नई पेंशन स्कीम यानी कि NPS की जगह अब सरकारी कर्मचारियों के लिए लेकर आई है UPS। UPS मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये नया नाम है, यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। इसके अनुसार कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पे का 50% UPS के तहत पेंशन के रूप में गारंटीड मिलेगा। इससे पहले हमने भी आपको बताया, 10 साल की नौकरी के बाद ₹10,000 पेंशन निश्चित मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 से योजना लागू होगी। अगले साल यानी कि 2025 में 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम शुरू की जाएगी, लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन लागू, बेसिक का 50% मिलेगा। कर्मचारी कम से कम 25 साल नौकरी पूरी कर चुका हो, भी हमने आपको बताया था, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। OPS NPS की जगह अब आया UPS, जल्दी ही राज्यों में भी लागू होगा। कैबिनेट ने दी UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को NPS या UPS में से एक चुनने का विकल्प होगा। अगले साल 2025 से लागू होगी। क्या है खूबियाँ? अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा उसको। अगर किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को दिया जाएगा। 10 साल की नौकरी छोड़ने के बाद ₹10,000 पेंशन मिलेगी उसको। कर्मचारियों को अलग से अनुदान या अंशदान इसमें नहीं देना होगा। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारियों का अंशदान NPS की तरह ही 10% होगा। महंगाई इंडेक्स का इसमें लाभ दिया जाएगा। रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन यानी कि मिलेगा, वेतन मिलेगा, फिर इसमें DA भी जोड़ा जाएगा का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर उसको दिया जाएगा।